So today we are going to start a new chapter, that is chapter number 8 from the Levinson book of microbiology, the host defense. होस्ट यहाँ पे कौन है? होस्ट यहाँ पे हम हैं, ह्यूमन बींग्स हैं. तो हमारा जो डिफेंस होगा वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. तो होस्ट डिफेंस मतलब हम डिफेंस करें, हम कैसे डिफेंस करते हैं? इम्यूनिटी के थ्रू करते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास जो होस्ट डिफेंस में इम्यूनिटी आती है, हमारे पास दो इम्यूनिटी आती है. कौन सी इम्यूनिटी आती है? एक तो इनेट इम्यूनिटी होती है, दूसरी होती है एडेप्टिव. और जो इनेट इम्यूनिटी होती है वो क्या होती है? नॉन स्पेसिफिक होती है. और जो एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है वो क्या होती है? स्पेसिफिक होती है. अब इनेट इम्यूनिटी के इन्होंने काफ़ी सारे टैप्स दिए हुए हैं, जैसे कि फिज़िकल बैरियर्स. पहले हमारे पास कौन सा आता है? फिज़िकल बैरियर. पहले आता है फिज़िकल बैरियर, फिज़िकल बैरियर. दूसरे आते हैं फेगोसाइटिक सेल्स, और तीसरे आते हैं प्रोटीन्स. अब फिज़िकल बैरियर कौन प्रोवाइड करता है? एक तो हमारी स्किन प्रोवाइड करती है, और दूसरा म्यूकस मेम्ब्रेन प्रोवाइड करती है. अब उसके बाद आते हैं फेगोसाइटिक सेल्स. फेगोसाइटिक सेल्स कौन से जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, इनेट इम्यूनिटी? वो होते हैं न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस और नेचुरल किलर्स. और दूसरे प्रोटीन्स होते हैं. प्रोटीन्स हमारे पास कौन से हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन. कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होते हैं ना हमारे पास, जो C3A, C5A और डिफरेंट नंबर पढ़ते हैं. और दूसरे होते हैं लाइसोजाइम. लाइसोजाइम जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? हमारे टीएस में प्रेजेंट होते हैं. और तीसरे होते हैं इंटरफेरॉन्स. इंटरफेरॉन्स जैसे कि इंटरफेरॉन जो गामा इंटरफेरॉन हो गए, इस टाइप के. अब जो एडाप्टिव इम्यूनिटी होती है, एडाप्टिव इम्यूनिटी वो कितने टाइप्स की है? वहाँ पे कौन से सेल्स आते हैं? दो टाइप की चीज़ें जो है एडाप्टिव इम्यूनिटी में काम आती हैं या वर्क करती हैं. एक तो एंटीबॉडीज़ होते हैं. जो कौन प्रोड्यूस करता है? बी सेल. देन प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट होते हैं. प्लाज्मा सेल्स से हमारी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं. और दूसरे होते हैं टी लिम्फोसाइट्स. अब जो होस्ट डिफेंस हमारे बुक में दिया हुआ है, क्योंकि हम बेसिक बैक्टीरियोलॉजी से ज़्यादा कंसर्न है, तो वहाँ पे जो है होस्ट डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरिया हम कैसे करते हैं, उसके दो टाइप्स होते हैं या दो तरीक़ों से. एक तो एक्यूट पायोजेनिक होता है, जो डिफेंस होता है एक्यूट पायोजेनिक. पायोजेनिक मतलब पस फॉर्मिंग, जिसमें काफ़ी सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं ना हमें स्किन में या फेस में भी, वो किस कैसे होते हैं? उनमें पस प्रोड्यूस होती है ना, तो वो होते हैं एक्यूट. वो थोड़ी देर के लिए होते हैं, एक्यूट होते हैं. और क्रॉनिक जो चलते रहते हैं काफ़ी टाइम के लिए होते हैं, तो वो क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस होता है. सही है. अब इसमें एक्यूट पायोजेनिक में कौन से मतलब बैक्टीरिया के खिलाफ होते हैं? हमारे बुक में दो टाइप्स की बैक्टीरिया की एग्जाम्पल दी हुई है, जिनके लिए हम जो है एंटी एक्यूट पायोजेनिक रिस्पॉन्स देते हैं. एक तो स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस. स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस ये कौन से हैं? ये है दोनों ग्राम पॉजिटिव कोकसाय. अब जो एक्यूट पायोजेनिक रिस्पॉन्स में जो सेल्स आते हैं या डिफरेंट चीज़ें आती हैं जो उनमें हिस्सा लेती हैं एक्यूट पायोजेनिक रिस्पॉन्स में, वो होते हैं एंटीबॉडीज, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स और न्यूट्रोफिल्स. कौन से? एंटीबॉडी भी काम आती हैं इसमें एक्यूट पायोजेनिक रिस्पॉन्स में, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन भी काम आते हैं और न्यूट्रोफिल्स काम आते हैं. और दूसरा होता है क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस. इसमें कौन से बैक्टीरिया जो है वर्क करते हैं? एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है क्रॉनिक ग्रेनुलोमेटस जो डिफेंस है हम उनके लिए प्रोड्यूस करते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए. और दूसरा लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस के लिए. लिस्टेरिया ये भी बैक्टीरिया है. अब इसमें हमारे पास कौन से सेल्स आते हैं? एक तो मैक्रोफेजेस सेल्स आते हैं, दूसरे टी हेल्पर सेल्स आते हैं. अच्छा, क्रॉनिक ग्रेनुलोमेटस में कौन से हमारे पास सेल्स आ गए? एक तो मैक्रोफेजेस आ गए, दूसरा टी हेल्पर सेल. अब टी हेल्पर सेल जो होते हैं वो कौन से होते हैं? CD4 पॉजिटिव होते हैं. अब इसमें जो है एक्यूट पायोजेनिक रिस्पॉन्स जो शो करते हैं वो बैक्टीरिया कौन से होते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरिया होते हैं. एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरिया मतलब वो सेल्स को इन्वेड नहीं करते, मतलब बाहर बाहर से हमारे टिश्यू वगैरह को जो डैमेज हो जाते हैं, तो उनको हम जो है एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरिया होते हैं, जो जिसके लिए एक्यूट पायोजेनिक रिस्पॉन्स हम शो करते हैं. और दूसरा क्रॉनिक ग्रेनुलोमेटस जो सेल्स वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो कौन से होते हैं? इंट्रा सेलुलर बैक्टीरिया, जिसके लिए हम जो वो सेल को इन्वेट करते हैं, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस हमारे एल्वियोलाई या लंग्स के सेल में चला जाता है अंदर, तो इंट्रा सेलुलर होता है, तो उसके लिए हम क्रॉनिक ग्रेनुलोमेटस रिस्पॉन्स शो करते हैं. अब दूसरा होता है इनेट इम्यूनिटी. इनेट इम्यूनिटी हमने पढ़ी, इसमें कौन कौन सी चीज़ें थी इनेट इम्यूनिटी में? हमारे पास फिजिकल बैरियर्स थे, फेगोसाइटिक सेल्स थे, प्रोटीन्स थे. पहले हम जो है इंटैक्ट स्किन पढ़ते हैं, जो फिजिकल बैरियर का ही टाइप है. तो इंटैक्ट स्किन में हमारे पास स्किन आ गई ना, तो स्किन जो है वो कौन सी होती है? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है. अब स्किन क्या प्रोवाइड करती है? एक तो फिजिकल बैरियर दे रही है, और दूसरा जो हमारे पास सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं हमारे हेयर्स में, हमारे स्किन में सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, वहाँ से क्या प्रोड्यूस होता है? फैटी एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं. तो फैटी एसिड जो प्रोड्यूस होते हैं वो क्या करते हैं? एंटी फंगल होते हैं और एंटी बैक्टीरिया माइक्रोबियल होते हैं, मतलब बैक्टीरिया वगैरह जो भी आते हैं तो उनको जो है किल कर देते हैं फैटी एसिड्स, या उनकी जो है मेम्ब्रेन के साथ थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन कर देते हैं फैटी एसिड्स. और दूसरा होता है लो पीएच. स्किन की जो पीएच होती है वो लो होती है, 3-5 होती है. वो भी पीएच कौन प्रोड्यूस करवाता है? लो पीएच, वो भी फैटी एसिड प्रोड्यूस करवाते हैं. तो लो पीएच हो गई, तीन चीज़ हो गई. एक तो फिजिकल बैरियर प्रोवाइड कर रहे हैं, दूसरे फैटी एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं सेबेशियस ग्लैंड से, और दूसरा लो पीएच होती है स्किन की. और दूसरी चीज़ क्या होती है? म्यूकस मेम्ब्रेन होती है.
तो म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो कहाँ से प्रोड्यूस होती है? म्यूकस मेम्ब्रेन ज़्यादातर जो है ना रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रोटेक्ट करती है, जैसे कि हमारी नेजल में हो गई या हमारे नेजोफेरेंक्स में हो गई या जहाँ पे भी सीलिया प्रोड्यूस हैं, सीलिया हैं, म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा है, वो ज़्यादातर किसको मतलब प्रोटेक्ट कर रहे हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना। तो अब म्यूकस मेम्ब्रेन में हम क्या क्या कंसिडर कर सकते हैं? तो म्यूकस मेम्ब्रेन में एक तो सीलिया हो गए हमारे और दूसरा म्यूकस प्रोड्यूस होता है वो हो गया। अब म्यूकस कहाँ पे कहाँ पे प्रोड्यूस हो सकता है वो आगे हम पढ़ते हैं। अब ये जो है ना म्यूकस और सीलिया, उनको हम क्या कहते हैं? म्यूकोसिलियरी अपरेटस होता है। तो सीलिया होते हैं ना, इस तरह से सीलिया होते हैं, सीलिया होते हैं लाइनिंग पे, वो क्या करते हैं? प्रोपेल करते हैं। तो म्यूकस को आगे आगे करवाते हैं, मतलब आगे मूव कराते हैं, प्रोपेल करवाते हैं, तो म्यूकस आगे चला जाता है। मतलब हमारे अगर रेस्पिरेशन कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, उसमें कोई भी बैक्टीरिया आ गया तो हम जो है म्यूकोसिलियरी अपरेटस होता है। तो जैसे ही ये सीलिया जो है आगे से प्रोपेल करेंगे, सपोज करें हमने सांस ली है और रेस्पिरेशन की है और तो उसमें हमारे बैक्टीरिया आ गए, तो बैक्टीरिया आ गए तो सीलिया को टच करेंगे, तो सीलिया क्या करवाएगा? ये प्रोपेल करवाएगा, आगे फॉरवर्ड मूव करवाएगा सीलिया को। तो सीलिया जो भी म्यूकोस आगे बढ़ा होगा वो आगे से आगे चला जाएगा, मतलब ऊपर चला जाएगा, लैरिंग से होता हुआ सीधा हमारे ओरोफेरिंक्स में, ओरोफेरिंक्स से हमारे जो है माउथ से बाहर चला जाएगा, जैसे हम कफ कर लें या स्नीज कर लें, स्नीज आउट कर लें, या स्प्यूटम जो प्रोड्यूस होता है उसमें बैक्टीरिया होता है, तो वो जो है हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन या रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही हम जो है प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसके थ्रू। और दूसरा हो गया म्यूकोसिलियरी जो अपरेटस होता है वो कौन कौन डैमेज कर सकता है? सिगरेट स्मोक जो होता है ना वो डैमेज कर सकता है म्यूकोसिलियरी अपरेटस को, अल्कोहल डैमेज कर सकता है और सारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे फ्यूम्स हो गए। और जो हमारे पास एक तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमने प्रोटेक्ट किया कैसे? म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू, मतलब म्यूकोसिलियरी अपरेटस के थ्रू। और दूसरा हम कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? जैसे कि एल्वियोलर मैक्रोफेजेस हमारे पास प्रेजेंट है और लाइसोजाइम जो टीयर्स में होते हैं या म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकस होता है या हेयर्स होते हैं हमारे नोज में, वो भी बैक्टीरिया को बाहर निकाल देते हैं या जो भी एजेंट्स आते हैं उनको बाहर निकाल देते हैं। और दूसरा होता है कफ रिफ्लेक्स, वो भी कोई बैक्टीरिया आ जाता है तो हम डायरेक्टली कफ करते हैं, फॉरेन बॉडी कोई भी आ जाती है। एक तो हमने रेस्पिरेशन का पढ़ लिया है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन सा था? म्यूकोसिलियरी अपरेटस था या मैक्रोफेजेस से डिफरेंट थे। अब जीआईटी में कौन से प्रोटेक्शन है? जीआईटी में हमारे पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो सलाइवा में होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं, और जो एसिड्स होते हैं स्टमक में वो भी प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि कोई भी एजेंट जो है अंदर स्टमक में चला गया तो एसिड की वजह से वो उनकी डेथ हो जाएगी। और काफ़ी सारे डिग्रेडेटिव एंजाइम्स होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जो अगर वजाइना है तो एडल्ट वीमेन की, तो उसमें वो प्रोटेक्ट करती है। कैसे प्रोटेक्शन होती है वहाँ पे? क्योंकि वहाँ पे जो है लो पीएच होती है, वो कौन लो पीएच करवाता है? लो पीएच जो प्रोड्यूस करवाता है वो लैक्टोबैसिलस प्रोड्यूस करवाता है। और दूसरा जीआईटी में कौन सी प्रोटेक्शन कौन करवाते हैं? डेफिसेंस करवाते हैं, डेफिसेंस। अब देखें जो डेफेंसेंस होते हैं वो क्या होते हैं? वो हाईली चार्ज के टाइम्स होते हैं, जो जो हमारे पास जो बैक्टीरियल मेम्ब्रेन होती है, सपोज करें ये बैक्टीरिया है उसकी मेम्ब्रेन है, तो वहाँ पे डेफेंसेंस आएंगे, वहाँ पे पोर्स क्रिएट कर देंगे, क्या कर देंगे? पोर्स क्रिएट कर देंगे, तो उनमें जो है वो उनकी डेथ हो जाएगी बैक्टीरियाज की। मतलब डेफिशेंस क्या करवाते हैं? पोर्स क्रिएट करवा देते हैं बैक्टीरियल मेम्ब्रेन पे, तो उनकी डेथ हो जाती है। तो ये डेफिशेंस कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एक तो जीआईटी में प्रेजेंट होते हैं, दूसरे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रेजेंट होते हैं। अब जो जीआईटी में प्रेजेंट होते हैं वो इंटेस्टाइन में ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, इंटेस्टाइनल क्रिप्ट्स में। तो उसमें कौन से सेल्स जो होते हैं वो डेफिशेंस प्रोड्यूस करते हैं? एक तो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, दूसरे पैनेट सेल होते हैं। वो जो डेफिशेंस प्रोड्यूस करते हैं वो कौन से होते हैं? अल्फा डेफिशेंस होते हैं। जीआईटी में कौन से डेफिशेंस होते हैं? अल्फा डेफिशेंस। और जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो डेफिशेंस होते हैं वो कौन से होते हैं? वो बीटा डेफिशेंस होते हैं। अब दूसरी बात है कि जो बैक्टीरियाज होते हैं नॉर्मली हमारे स्किन में या डिफरेंट जगहों पे प्रेजेंट होते हैं, वो नॉर्मल फ्लोरा होता है बैक्टीरिया का। जैसे कि हमारा नॉर्मल फ्लोरा कहाँ पे प्रेजेंट होता है? स्किन में प्रेजेंट होता है, नेजोफेरिंक्स में प्रेजेंट होता है, कोलोन में प्रेजेंट होता है और वजाइना में प्रेजेंट होता है। तो ये हमारे प्रोटेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब इसमें यह है कि अगर ये बैक्टीरियाज जो है हम एंटीबायोटिक ज़्यादा ले रहे हैं या ऐसी कोई ड्रग ले रहे हैं जो बैक्टीरियाज को डैमेज कर रही है, हमारे फ्लोरा को डैमेज कर रही है, तो फिर क्या होगा? जैसे कि हमारे पास डायरिया हो जाता है या ऐसी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है जब जो है ना नॉर्मल फ्लोरा खत्म हो जाता है या डाई कर जाता है। तो उस हिसाब से उसके बाद जो टॉपिक है वो है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स और फेगोसाइटोसिस। अब जो हमारे पास फॉरेन बॉडीज़ हैं, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी माइक्रोबियल एजेंट जो है हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है, तो उसकी रिस्पॉन्स में क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होती है। अब इन्फ्लेमेशन में क्या होता है? रेडनेस होती है, पेन होती है, स्वेलिंग होती है, लॉस ऑफ फंक्शन होता है, डिफरेंट जो हमने साइंस पढ़ी हुई है फर्स्ट ईयर में। अब इसमें इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में ना तीन चीज़ें होती हैं, कौन सी? एक तो ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर डायलेशन हो जाएगी, ज़्यादा डायलेशन हो जाएगी तो मतलब एट्रीज वगैरह की, तो ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाएगा। दूसरा क्या होता है? कैपिलरी जो होती है ना उनकी परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। और तीसरा क्या होता है? एक्जुडेट, एक्जुडेट मतलब फ्लूड जो होता है ना हमारे टिश्यूज़ में वो एस्केप आउट हो जाता है, बाहर निकल आता है, वो इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाता है सारा फ्लूड, तो वहाँ पे स्वेलिंग भी हो जाती है इस वजह से। तो एक्जुडेट होता है, तीन चीज़ें होती हैं। अब कैपिलरी परमेबिलिटी कौन इंक्रीज करता है? एक तो केमिकल मीडिएटर्स और दूसरा कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स इंक्रीज करते हैं। कौन से? केमिकल मीडिएटर्स और कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स। अब केमिकल मीडिएटर्स कौन से हैं जो कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं? एक तो हो गया हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिंस एंड ल्यूकोट्रायंस। हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिंस और ल्यूकोट्रायंस। अब कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं जो परमेबिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं? एक तो C3A, C5A। अब दूसरा ये कह रहे हैं कि ब्रेडिकाइनिन जो होता है वो इंपॉर्टेंट मीडिएटर होता है पेन का। तो पेन जो है, ब्रेडिकाइनिन क्या होता है? ज़्यादातर हमारे पास ये भी केमिकल मीडिएटर है ना, मीडिएटर होता है, वो क्या करवाता है? पेन राइज करवाता है, ज़्यादा पेन में देता है।
अब आगे ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेमेशन जो होती है वो उसमें खास पार्ट किसका होता है इन्फ्लेमेशन में, न्यूट्रोफिल्स का और मैक्रोफेजेस का। जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो कौन सा इन्फेक्शन करवाते हैं, मतलब इन्फेक्शन में जो है बढ़ते हैं ज़्यादा, वो होते हैं एक्यूट पायोजेनिक जो इन्फेक्शन होते हैं उनमें जो है न्यूट्रोफिल्स बढ़ते हैं, जिसमें पस प्रोड्यूस होती है तो उसमें न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा होते हैं, मतलब न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा हो जाते हैं। और जो मैक्रोफेजेस हैं कौन सी इन्फ्लेमेशन या कौन से इन्फेक्शन में बढ़ते हैं, क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस इन्फेक्शन होते हैं उनमें ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो दो काम करते हैं, उनके दो फंक्शन होते हैं ना मेजरली, एक तो फेगोसाइटोस करते हैं, तो फेगोसाइटोसिस करते हैं, और दूसरा क्या करते हैं, ये साइटोकाइंस को प्रोड्यूस करते हैं जो प्रो इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि हमारे पास जो साइटोकाइंस होते हैं वो कौन कौन से हो गए, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर हो गया और इंटरल्यूकिन वन हो गया। अब ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और दूसरा इंटरल्यूकिन वन, अब जो इंटरल्यूकिन वन ये मतलब साइटोकाइंस है ना, तो इंटरल्यूकिन वन जो है कौन सिंथेसाइज करता है, इंटरल्यूकिन वन जो है वो सिंथेसाइज होता है किस एंजाइम की वजह से, कैस्पेज़ एंजाइम की वजह से, वो ज़्यादा मतलब से जो है मीडिएट करता है या सिंथेसिस करवाता है इंटरल्यूकिन वन की, जो फिर प्रोड्यूस कौन करता है, मैक्रोफेजेस प्रोड्यूस करते हैं। तो किसने बनवाया, कौन से एंजाइम ने, कैस्पेज़ एंजाइम में ने बनवाया। और कहाँ पे बनते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर में बनते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेमोसोम, इन्फ्लेमोसोम में ज़्यादा बनते हैं। अब जो एक उसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है वो है एक्यूट फेज प्रोटीन्स या रिस्पॉन्स होता है, एक्यूट फेज रिस्पॉन्स। अब ये एक्यूट फेज रिस्पॉन्स में जो है प्रोटीन्स बनते हैं काफ़ी सारे, वो कौन प्रोटीन्स बनवाते हैं, वो कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, वो ज़्यादा लीवर में प्रोड्यूस होते हैं। अब हमारे पास चार टाइप्स के प्रोटीन होते हैं जो एक्यूट फेज रिस्पॉन्स करवाते हैं, एक तो सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है, मेनोज बाइंडिंग प्रोटीन होता है, और लाइपोपॉलीसेक्राइड या एंडोटॉक्सिन। एंडोटॉक्सिन कौन प्रोड्यूस करता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये आपने पढ़ा होगा ना चैप्टर, शुरू वाले चैप्टर में उनमें पता होगा आपको कि एंडोटॉक्सिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया प्रोड्यूस करवाते हैं, तो लाइपोपॉलीसेक्राइड या एंडोटॉक्सिन बाइंडिंग प्रोटीन, और दूसरा होता है इंटरल्यूकिन 6। तो ये चार चीज़ें हैं जो एक्यूट फेज रिस्पॉन्स में आती हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन, मेनोज बाइंडिंग प्रोटीन, लाइपोपॉलीसेक्राइड बाइंडिंग प्रोटीन और इंटरल्यूकिन 6। अब जो सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है वो क्या करवाता है, हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है उसमें दो पाथवेज होते हैं ना, एक तो क्लासिक पाथवे होता है, दूसरा अल्टरनेटिव पाथवे होता है। तो सी रिएक्टिव प्रोटीन कौन से पाथवे को इनहांस करते हैं या एक्टिवेट करते हैं, वो अल्टरनेटिव पाथवे जो होता है का सिस्टम का, वो इनको जो है इनहांस करवाते हैं, एक्टिवेट करवाते हैं, और मेनोज बाइंडिंग प्रोटीन हो गया। और दूसरा होता है, अब सी रिएक्टिव प्रोटीन जो होते हैं वो क्या करते हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है एक तो हमारे पास अल्टरनेटिव पाथवे को एक्टिवेट कर रहे हैं, दूसरा क्या करेंगे कि हमारी सेल जो सेल वॉल होती है ना, बैक्टीरियाज की सेल वॉल होती है, उनमें जो है कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं ना, तो कार्बोहाइड्रेट के साथ क्या करते हैं, जाके बाइंड करते हैं उनकी सरफेस पे, मतलब बैक्टीरिया के सरफेस पे जाके बाइंड कर देते हैं सी रिएक्टिव प्रोटीन, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया, इनमें फिर उनके थोड़ा सा डैमेज करते हैं बैक्टीरियाज को उस हिसाब से। बाकी लाइपोपॉलीसेक्राइड जो ग्राम नेगेटिव के पास होते हैं एंडोटॉक्सिन बाइंडिंग प्रोटीन्स, वो क्या करते हैं, मतलब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की रिस्पॉन्स में ये प्रोड्यूस होते हैं। और दूसरा होता है इंटरल्यूकिन सिक्स जो है ना, वो कहाँ से आते हैं या कौन प्रोड्यूस करते हैं, उनको मैक्रोफेजेस प्रोड्यूस करते हैं, तो मेजर सोर्स कौन है, मैक्रोफेजेस। और ये इंटरल्यूकिन सिक्स जो होता है वो मेन इंड्यूसर होता है किसका, एक्यूट फेज रिस्पॉन्स का, मतलब एक्यूट फेज रिस्पॉन्स जो है ना ज़्यादातर कौन करवाता है, इंटरल्यूकिन सिक्स करवाता है, कौन सा इंटरल्यूकिन सिक्स। और दूसरा होता है गामा इंटरफेरोन, जो गामा इंटरफेरोन जो होता है वो कौन प्रोड्यूस करवाता है, टी हेल्पर सेल। इंटरल्यूकिन सिक्स को कौन प्रोड्यूस करवा रहा था, मैक्रोफेजेस, पर जो गामा इंटरफेरोन है उसे कौन प्रोड्यूस करवा रहा है, टी हेल्पर सेल। तो गामा इंटरफेरोन क्या करवाते हैं, एक तो एक्टिवेशन करवा रहा है किसकी, मैक्रोफेज की, और दूसरी इसकी माइक्रोबियल एक्टिविटी है उसे भी बढ़वा रहा है, ज़्यादा कर रहा है, एक तो एक्टिवेशन करवा रहा है मैक्रोफेज की, और दूसरा इसकी माइक्रोबियल एक्टिविटी को भी इंक्रीज़ कर रहा है। और जो कीमोकाइंस होते हैं ना वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, मतलब कोई भी इन्फ्लेमेशन हो रही है या कोई भी इन्फेक्शन का साइट है उसमें जो है कीमोकाइंस आएंगे। कीमोकाइंस जो है ना उसे अट्रैक्ट कौन करेगा, एक तो न्यूट्रोफिल अट्रैक्ट करेंगे, और दूसरा जो है मतलब वो कीमोकाइंस किसको अट्रैक्ट करेंगे, एक तो न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट करेंगे, दूसरा मैक्रोफेजेस को अट्रैक्ट करेंगे, जैसे कि इंटरल्यूकिन 8 हो गया। इंटरल्यूकिन 8 को कौन अट्रैक्ट करता है, मतलब इंटरल्यूकिन 8 जो है किसको अट्रैक्ट करता है, न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट करता है। और दूसरा होता है MCP1 और MIP, मतलब इसका फुल फॉर्म है मोनोसाइट कीमोटैक्टिक प्रोटीन, कीमोटैक्टिक प्रोटीन या मोनो मैक्रोफेज इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन। तो ये जो है ये भी कीमोकाइंस होते हैं, वो किसको अट्रैक्ट करते हैं, ये मोनोसाइट को भी अट्रैक्ट करते हैं, मैक्रोफेजेस को भी अट्रैक्ट करते हैं, पर जो इंटरल्यूकिन 8 है वो सिर्फ न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट कर रहा है। और दूसरा होता है C5a, वो भी एज अ कीमोकाइंस एक्ट करता है। नेक्स्ट ये कह रहे हैं जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो होता है उसमें क्या होते हैं, बैक्टीरिया जो एंगल्फ होते हैं, फेगोसाइटोस होते हैं, वो दो टाइप्स के सेल से फेगोसाइटोस होते हैं, एक तो पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स और दूसरा कौन से मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस ये जो है फेगोसाइटोस करेंगे। जो पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो क्या बनवाते हैं, 60% ल्यूकोसाइट्स जो है इन्हीं से ही बने होते हैं, मतलब न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा होते हैं ना इनमें ल्यूकोसाइट्स की नंबर में, तो वो जो है ज़्यादा ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, और जो इन्फेक्शन होते हैं ना तो उनमें न्यूट्रोफिल्स क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, हम ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। और ये कह रहे हैं कि इन्फेक्शन में वैसे तो ज़्यादातर न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाते हैं, पर जो कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जैसे कि टाइफाइड फीवर, उसमें क्या होता है ल्यूकोसाइट जो है डिक्रीज़ हो जाते हैं, ल्यूकोपेनिया हो जाता है। अब जो न्यूट्रोफिल्स बढ़ रहे हैं तो उनका कॉज
पास क्या है, तो हमारे पास जो प्री जो हमारे पास शुरू में सेल्स होते हैं ना जिनसे ये प्रोड्यूस होते हैं, डिफरेंट ल्यूकोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, जो है हमारे पास कौन से बेसोफिल, इजिनोफिल, तो उनमें जाहिर सी बात है हमने शुरू में पढ़ा होगा ना फर्स्ट ईयर में कि कॉलोनी ग्रेन्युलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स बनते हैं, या जो है ग्रेन्युलोसाइट मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, जैसे कि हमने प्लूरिपोटेंट हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स पढ़े हैं, डिफरेंट सेल्स पढ़े हैं, तो उनमें जो है स्पेसिफिकली हमारे पास कौन से, एक तो GCSF और दूसरी GMCSF, ये जो है ज़्यादा बढ़ जाते हैं फैक्टर्स, तो उनकी वजह से न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाते हैं, तो वो ल्यूकोसाइटोसिस होता है, इनका नंबर ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, किसमें इन्फेक्शन में ज़्यादा हो जाता है। और दूसरा ये कह रहे हैं कि जो न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस जो होते हैं ना, दोनों ही फेगोसाइटोस करते हैं बैक्टीरियाज को, पर जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो प्रेजेंट नहीं करते, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एज अ एक्ट नहीं करते, मतलब एंटीजन को प्रेजेंट नहीं करते टी हेल्पर सेल को, पर जो मैक्रोफेज होते हैं वो प्रेजेंट करते हैं टी हेल्पर सेल के पास किसी भी एंटीजन को। और दूसरा ये कह रहे हैं कि एंटीजन डेंड्राइटिक सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो मेजर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स मेजर होते हैं डेंड्राइटिक सेल्स। अब जो फेगोसाइटिक एक्टिविटी जो होती है, एबिलिटी डेंड्राइटिक सेल की, वो कैसे इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि इनके पास क्या होते हैं रिसेप्टर होते हैं मेनोज बाइंडिंग प्रोटीन्स के लिए, तो ये डेंड्राइटिक सेल्स है उनमें मेनोज बाइंडिंग प्रोटीन्स जाके अटैच हुए, तो डेंड्राइटिक सेल जो है जाके प्रेजेंट करेंगे टी हेल्पर सेल को कि हमारे पास मेनोज बाइंडिंग प्रोटीन्स अभी प्रेजेंट है, तो आप देखें एंटीजन भी आ चुका है, तो उस हिसाब से जो है ना डेंड्राइटिक सेल प्रेजेंट कर देंगे टी हेल्पर सेल को। अब ये आगे कह रहे हैं कि फेगोसाइटोसिस जो है ना तीन स्टेप से होती है, एक तो हमारे पास माइग्रेशन होती है, इंजेशन होती है और किलिंग होती है। अब माइग्रेशन जो है वो कैसे होती थी, हमने बताया कीमोकाइंस की वजह से, क्योंकि कीमोकाइंस जो है अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि इंटरल्यूकिन 8 हो गया या कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन जैसे कि C5A जो है वहाँ पे लोकेशन में प्रेजेंट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, वहाँ से जो है ना न्यूट्रोफिल्स मैक्रोफेजेस डिफरेंट आ जाते हैं। और दूसरे कह रहे हैं जो न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं माइग्रेशन तो क्यूमोकाइंस की वजह से हो रहे हैं, पर जो अब जाहिर सी बात है अब ब्लड वेसल्स में जाना है या एंडोथीलियम को क्रॉस करना है, तो न्यूट्रोफिल्स कैसे मतलब क्रॉस करेंगे, क्यूमोकाइंस तो आगे आवेश होता नहीं है, वो बिल्कुल इंसान की तरह चलते हुए जाएँ, पर ऐसा नहीं होता, तो बल्कि इनके पास क्या होता है सेलेक्टिन्स होते हैं, वो सेलेक्टिन जो है एंडोथीलियम के पास होते हैं, और इनके पास जो है ना उनके डिफरेंट टाइप ऑफ सेलेक्टिन होते हैं, सेलेक्टिन मतलब इस तरह से सपोज करें ये है एंडोथीलियम, एंडोथीलियम है और ये है हमारे न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स आगे, तो उनके पास जो ना इस तरह से सेलेक्टेंस होते हैं, इस तरह से सेलेक्टेंस होते हैं, और एंडोथीलियम के पास भी इस तरह से सेलेक्टेंस होते हैं, वो जो है ना इस तरह से रोल आउट होते हुए बिल्कुल इसे मूव करते हैं, रोल आउट होते हुए फिर आगे भी जो है ना उनके पास भी ऐसे एंटेग्रेंस होंगे, सेलेक्टेंस होंगे, वो इसे मूव करते हुए जाएंगे, मतलब रोल आउट होते हुए आगे ऐसे बिल्कुल घूम घूम के ऐसे जा रहे होंगे, तो ये सेलेक्टेंस प्रेजेंट होते हैं जिनके पास एंडोथीलियम के पास और न्यूट्रोफिल्स के पास भी इनकी इंटरेक्शन होती है, इस तरह से वो मूव करते जाते हैं रोल आउट होते हुए। और दूसरे होते हैं एंटेग्रेंस, एंटेग्रेंस भी जो होते हैं उसे और क्या कहते हैं LFA प्रोटीन्स कहते हैं, वो भी न्यूट्रोफिल की सर्फेस पर होते हैं, और IKM जो है वो किसके होते हैं एंडोथीलियम के पास होते हैं IKM, ये देखें जैसे कि ये एंडोथीलियम है, एक तो हमने बता दिया कि इंटेग्रिन्स होते हैं, इनके सेलेक्टेंस होते हैं, एक तो इनके पास क्या होते हैं सेलेक्टेंस होते हैं, जो सेलेक्टेंस इस तरह से होते हैं ये न्यूट्रोफिल्स के पास, ये तो एक सेलेक्टेंस हो गया, ये क्या हो गया सेलेक्टेंस, और दूसरे क्या होते हैं इंटेग्रिन्स होते हैं, ये सपोज करें इस तरह सेलेक्टेंस उनके पास क्या होते हैं सेलेक्टेंस होते हैं, ये है न्यूट्रोफिल्स, उनके पास क्या होंगे इस तरह से मतलब डिफरेंट जगहें प्रेजेंट होंगी, तो वहाँ पर जो है ये बाइंड करेंगे इस तरह से, ये आपस में क्या करेंगे बाइंड करेंगे, ये क्या होंगे एंडोथीलियम के पास क्या होते हैं IKM होते हैं, और जो न्यूट्रोफिल है उसके पास क्या होंगे इनके पास होंगे सॉरी इंटेग्रिन्स होंगे, इनके पास क्या होंगे इंटेग्रिन्स होंगे, तो इंटेग्रिन और IKM आपस में मिलेंगे और सेलेक्टिन सेलेक्टिन आपस में मिलेंगे, तो इस तरह से वो जो है ना रोल आउट होता हुआ मूव करेगा जाके न्यूट्रोफिल्स, इस तरह से इनकी जो है ना माइग्रेशन होगी इनकी मूवमेंट होगी, ये आपको पॉइंट समझ आ गया, तो सेलेक्टिन्स होते हैं दूसरे इंटेग्रिन्स होते हैं, तो जो हमारे पास न्यूट्रोफिल्स होते हैं उनके पास इंटेग्रिन्स भी होते हैं सेलेक्टिन भी होते हैं, और जो हमारे पास एंडोथीलियम होती है उनके पास IKM और सेलेक्टिन्स होते हैं। अब जो IKMs होते हैं वो ज़्यादा प्रोटीन जो है ना इंक्रीज कैसे होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो मीडिएटर्स प्रोड्यूस होते हैं ना जैसे कि इंटरल्यूकिन 1 और ह्यूमन नेक्रोसिस फैक्टर, वो प्रोड्यूस होते हैं, वो क्या करवाते हैं IKM को ज़्यादा कर देते हैं एंडोथीलियम के पास, एंड IKM ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा से बताएं न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा बाइंड करेंगे, ज़्यादा बाइंड करेंगे इंटरेक्शन होगी तो ज़्यादा माइग्रेशन होगी, ज़्यादा सेल्स जाएंगे न्यूट्रोफिल्स वहाँ पे इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन की साइड पे, तो उस हिसाब से कह रहे हैं एक तो माइग्रेशन हुई मूव तो हो गए, अब इनको जो है अंदर जाना है किसी भी कैपिलरी के अंदर जाना है, तो वो जो है कैसे जाएंगे, क्योंकि हमने कैपिलरी का शुरू में बताया इन्फ्लेमेशन की में क्या होता है कैपिलरी की परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो स्पेसेस बन जाएंगे, स्पेसेस होंगे तो जाहिर सी बात है न्यूट्रोफिल्स अंदर चले जाएंगे, तो उसने परमेबिलिटी किसने बढ़ाई थी कैपिलरीज की, जैसे कि हिस्टामिन हो गया, काइनेंस हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिंस हो गया, इन्होंने जो है परमेबिलिटी इंक्रीज की थी, तो इस माइग्रेशन को हम पूरा क्या कहते हैं डायपेडेसिस करेंगे, डायपेडेसिस कहते हैं क्योंकि कैपिलरी वॉल्स से अंदर जाते हैं, कैपिलरी में तो एंडोथीलियम होते हैं, तो एंडोथीलियम में ही तो हमने बताया कि वो जो है IKM होते हैं और सेलेक्टेंस होते हैं, जिसके साथ जो है न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स के इंटेग्रिन्स और जो है
इनके इंटेग्रिन्स और कलेक्टिन आपस में इंटरेक्ट करके देन मूव करते हैं न्यूट्रोफिल्स। अब आगे ये कह रहे हैं बैक्टीरिया जो इंजेस्ट होता है वो कैसे इंजेस्ट होते हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं न्यूट्रोफिल्स से फेगोसाइटोस करते हैं, इन्वेजिनेट कर देते हैं, अंदर अपने मुंह में ले लेते हैं न्यूट्रोफिल्स, तो वो एक वैक्यूल बन जाती है। अंदर क्या बन जाते हैं? वैक्यूल बन जाते हैं, फेगोसोम बन जाते हैं। जैसे कि मैंने एक पिक्चर में आपको शो किया है इजीली आपको समझने के लिए, ये देखें आपके पास ये पूरा न्यूट्रोफिल है। न्यूट्रोफिल ने क्या किया, ये वाला बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल है ना पूरा, तो इसको जो है अंदर लेके आना है। इसमें अंदर जाएंगे तो फेगोसोम बन जाएंगे, ये बैक्टीरियल सेल है ये अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा, फेगोसोम बन जाएगा। अब इसमें दूसरी बात कह रहे हैं कि जो हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं उनके पास क्या होते हैं, जो हम इनके पास जो है एंटीबॉडीज की शेप में ना मतलब रिसेप्टर्स होते हैं डिफरेंट, जैसे कि IgG वो भी जाके जो IgG होते हैं ना वो भी जाके बैक्टीरिया की सरफेस पे वाके बाइंड करता है, जिससे वो उस बैक्टीरिया जो है रिकग्नाइज हो जाते हैं। और दूसरा C3b ये भी जाके वहाँ पे बाइंड हो जाते हैं बैक्टीरिया के पास, तो फिर जो है ना न्यूट्रोफिल्स के पास जैसे ही आएंगे तो ये IgG भी होगा C3b होगा, तो जो है न्यूट्रोफिल्स उसे पहचान जाएंगे। और न्यूट्रोफिल्स के पास भी खुद के पास भी ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं C3b के लिए भी और एंटीबॉडीज़ के लिए भी। ये सपोज करें एंटीबॉडी है IgG जो बाइंड था बैक्टीरियल सेल वॉल के सेल वॉल के पास इसे बाइंड था, तो उनके पास रिसेप्टर्स भी होंगे न्यूट्रोफिल्स के साथ, तो ये IgG और न्यूट्रोफिल्स के जो रिसेप्टर्स हैं आपस में बाइंड करेंगे और इंटरेक्ट करेंगे, देन वो जो है अंदर चला जाएगा बैक्टीरिया, फिर वो क्या बन जाएगा, फेगोसोम बन जाएगा। फेगोसोम बन जाएगा उसके बाद क्या होते हैं, डिफरेंट अंदर ग्रेन्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं, मतलब दूसरा स्टेप क्या होता है, डीग्रेन्यूलेशन स्टेप होता है, डीग्रेन्यूलेशन होती है। डीग्रेन्यूलेशन में क्या होता है, डिफरेंट ग्रेन्यूल्स अंदर प्रोड्यूस होते हैं, एक तो लार्ज होते हैं एक स्मॉल होते हैं, वो आगे मैं पढ़ाती हूँ आपको समझाती हूँ। इसमें ये कह रहे हैं कि जो जब हम बैक्टीरिया सेल को अंदर ले लिया, फेगोसोम बना दिया या अंदर ले लिया बैक्टीरिया को अंदर, तो फिर क्या होता है, मेटाबॉलिक पाथवे शुरू हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी बर्स्ट शुरू हो जाते हैं। उसमें क्या होता है, हमारे पास जो है ना अंदर दो एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं, वो कौन से एंजाइम, माइक्रोबियल एजेंट्स मतलब हमारे जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं या डिफरेंट सेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस करवाते हैं, कौन से एंजाइम प्रोड्यूस करवाते हैं, सुपरऑक्साइड रेडिकल्स और दूसरे हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये जो है ना दो कंपाउंड्स में प्रोड्यूस करवाते हैं, तो वो दो कंपाउंड्स क्या करते हैं, बैक्टीरिया को किल करते हैं, मतलब एजेंट्स को जाके बैक्टीरिया या इंडिजेंस को जाके किल करते हैं, ये ऑक्सीडेटिव किलिंग होती है। अब देखें जो हमारे पास ऑक्सीजन होते हैं वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाते हैं, ऑक्सीजन रिड्यूस होते हैं क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड रेडिकल बनाते हैं ये। और ये कौन कैटलाइज कर रहा होता है इस प्रोसेस को, NADPH ऑक्सीडेज कैटलाइज कर रहा होता है। और दूसरा होता है जो ऑक्सीजन होता है हमारे पास, कौन सा ऑक्सीजन बन गया, ये सुपर ऑक्साइड बन गया ना रेडिकल, वो फिर से हाइड्रोजन के साथ ये करेगा और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, और इसे कौन कैटलाइज कर रहा होगा, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज वो जो है क्या कर रहा होगा, कैटलाइज कर। और आगे ये कह रहे हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड भी जो है ये भी एक माइक्रोबियल एजेंट होता है जो किल करवाता है डिफरेंट बैक्टीरियाज को, सही है। अब जो रिएक्टिव नाइट्रोजन इंटरमीडिएट होता है इसके पास एक, अब ये कह रहे हैं नाइट्रिक ऑक्साइड जो है रिएक्टिव नाइट्रोजन इंटरमीडिएट होता है, वो सिंथेसाइज कैसे होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस एंजाइम की वजह से ये सिंथेसिस होती है इसकी। और ये नाइट्रो ऑक्साइड जो है हाइपोटेंशन भी करवाता है, हाइपोटेंशन करवाता है मतलब कैसे, जो सेप्टिक शॉक हो जाता है ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, वो नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से ही होता है, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है, वैसोडायलेटर होता है, तो ये वैसोडायलेशन कर देता है ब्लड वेसल्स में, तो वहाँ पे शॉक हो जाता है, सेप्टिक शॉक हो जाता है। और वहाँ पे आगे कह रहे हैं कि भाई बैक्टीरिया जो है जो किल करते हैं, मैंने बताया कि फेगोसोम बनता है, वो टू स्टेप प्रोसेस होता है, पहले तो डीग्रेन्यूलेशन मैंने बताया कि दो टाइप्स ऑफ ग्रेन्यूल्स बनते हैं, एक स्मॉल बनता है एक लार्ज बनता है, जो मैंने पिक्चर में आपको बताया ये वाली पिक्चर में, एक स्मॉल जो हम बनता है ग्रेन्यूल, दूसरा लार्ज ग्रेन्यूल होता है, जो फेगोसोम अंदर जाता है मतलब बैक्टीरियल सेल जो आगे जाके अंदर जाके फेगोसोम बन जाता है, तो ये ग्रेन्यूल्स होता है ना, ये ग्रेन्यूल्स किसके बने होते हैं, ये लाइसोसोम के बने होते हैं, लाइसोसोम के बने होते हैं, तो ये दोनों जाके क्या करते हैं, फेगोसोम के साथ बाइंड करते हैं, दोनों के साथ बाइंड करते हैं, उनके पास क्या होता है अंदर एक प्राइमरी होता है जो लार्ज होता है, दूसरा होता है सेकेंडरी क्या होता है, स्मॉल होता है, सही है। अब जो लार्ज होता है उनके पास या दोनों के पास क्या होते हैं, अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि माइलोपर ऑक्सीडेज प्रोटीएज लाइएज, जो भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं अंदर, ये फेगोसोम के साथ जाके बाइंड करते हैं और बाइंड करते हैं, तो फिर ये क्या बनाते हैं, फेगोलाइसोसोम बना देते हैं, और उनके अंदर जो एंजाइम होते हैं वो इनके साथ फेगोसोम के अंदर भेज देते हैं, अंदर सारे एंजाइम भेज देते हैं, तो वहाँ पे जो है ना उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है सेल की, फिर हम जो है ना उसे एक्सोसाइटोसिस कर देते हैं, मतलब जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है बैक्टीरिया का वो सारा बाहर जाता है। और ये आगे कह रहे हैं जो हाइपोक्लोराइड कैसे बनता है, हाइपोक्लोराइड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये भी किलिंग करवाता है बैक्टीरियल सेल की। अब हमने पहले जो है ना हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाया था ना, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाया था तो उसके साथ क्या होता है, क्लोराइड बाइंड करता है, क्लोराइड आपस में मिलता है, जैसे कि हाइड्रोजन परऑक्साइड बना तो वो क्या करता है, क्लोराइड के साथ मिलकर क्या बनवाता है हमारे पास, ये हाइपोक्लोराइड बनवाता है। हाइपोक्लोराइड जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब वही बात करें कि डीग्रेन्यूलेशन होती है, डीग्रेन्यूलेशन में क्या होता है, जो है ना हमारे न्यूट्रोफिल्स के साइटोप्लाज्म में फेगोसोम जाता है, फेगोसोम मतलब बैक्टीरिया जो अंदर चला जाता है न्यूट्रोफिल के अंदर चला जाता है, उसे हम फेगोसोम कहते हैं। तो फेगोसोम के साथ जाए डिफरेंट दो ग्रेन्यूल्स जाके अटैच होते हैं, एक लार्जर होता है दूसरा स्मॉलर होता है। ग्रेन्यूल किसके ग्रेन्यूल्स होते हैं, लाइसोसोम के ही ग्रेन्यूल्स होते हैं। एक लार्ज के पास 15% ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है जो लार्ज होता है, और स्मॉल जो होता है वो 85% एक कॉन्स्टिट्यूट करता है। जो 15% कॉन्स्टिट्यूट करता है उसमें कौन सा
एंजाइम होते हैं माइलो परोक्सीडेज, मतलब इसमें जो है ये जो प्राइमरी है या लार्ज वाला है इनके पास कौन सा एंजाइम होगा, माइलो परोक्सीडेज एंजाइम होगा, और जो स्मॉलर है उसके पास कौन से एंजाइम्स होते हैं, स्मॉलर के पास लैक्टोफेरिन होते हैं और दूसरा प्रोटीएज न्यूक्लियस लाइपेज डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं। तो ये एंजाइम जो है जाके क्या करेंगे, फेगोसोम को अटैक करेंगे, फेगोसोम के अंदर जा जाएंगे तो फिर क्या होगा, बैक्टीरिया जो है सारा जो है बिल्कुल डिग्रेडिव एंजाइम उसे अटैक कर देंगे, उनके स्ट्रक्चर्स को, उनकी सेल वॉल को, सारा जो है बैक्टीरिया ख़राब हो जाएगा, मतलब डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फिर एक्सेसरली हम जो है उसे मतलब फेंक देंगे या बाहर एक्सोसाइटोसिस कर देंगे। बाकी ये चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में समझाती हूँ।